इस वीडियो में हम लोग क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन क्या होता है? जब आप क्रोमेटिन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रोमेटिन को जब आप ब्रेक करोगे तो क्रोमेटिन दो चीजों से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिन में दो चीज, कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन जो होता है ऑक्टामर बनाता है और उसके ऊपर में रैप किया हुआ होता है डीएनए। तो क्रोमेटिन जो होता है ये हाईली कंडेंस फॉर्म है डीएनए का, और उसको उसका कंडेंसेशन के लिए उस प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? प्रिवेंट जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन यानी कि डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है जिसको आप सेंट्रल डॉग्मा बोलते हो, तो जो सेंट्रल डॉग्मा की प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को ये हिस्टोन रोक देता है ना, प्रिवेंट करता है जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस को। क्योंकि जब सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है कि डीएनए मेक्स मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोटीन बनता है, इस प्रोटीन, यही प्रोटीन तो एक्सप्रेस किया, यही प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेशन है। जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन जब एक्सप्रेस करता है तो वो अपना कोई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो जब ये प्रोटीन बन रहा है यानी जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है यानी सेंट्रल डॉग्मा की प्रोसेस हो रही है, तो हिस्टोन का जो प्रोटीन होता है इस प्रोसेस को रोकने का काम करता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो प्रिवेंट करता है जीन एक्सप्रेशन। तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या करते हैं? हिस्टोन का एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। तो अभी आप देखिए कि जैसे हमने देखा था कि कल क्या था कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से डीएनए है, आपका डीएनए है, तो डीएनए इस तरीके से रैप कर दिया है, इस तरीके से रैप कर गया है, ठीक है, बीच बीच में क्या है? हिस्टोन का ऑक्टामर बना हुआ है, इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर है, बीच बीच में हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, यहां पे हिस्टोन ऑक्टामर है, दिख जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन क्या है? हिस्टोन, और इससे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर इसमें है, और इस तरीके से डीएनए इसके ऊपर में रैप करते जा रहा है। जो डीएनए का हिस्सा इसके ऊपर में रैप किया हुआ है दैट इज कॉल्ड द कोर डीएनए, और ये जो डीएनए है इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब ये जो होता है वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, इसकी कॉम्पैक्टनेस, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है स्कैफोल्ड प्रोटीन, तो वो क्या करता है? इसको कॉम्पैक्ट कर देता है, इसकी जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो बढ़ जाती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कुछ रैपिंग कर जाएगा, इस तरीके से कुछ रैपिंग हो जाएगा इसमें, इस तरीके से इसमें रैपिंग हो जाएगी, ये कॉम्पैक्ट होते चला जाएगा। ठीक है, बीच बीच में जो है वो आपका हिस्टोन आ गया, यहां पे ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये वाला एरिया जो है वो हिस्टोन प्रोटीन का है। ठीक है, तो इस तरीके से रैपिंग, तो ये कॉम्पैक्ट हो गया, दिस इज द कंडेंस फॉर्म। तो ये जो कंडेंस फॉर्म हो गया यही जो है क्रोमेटिन फिर से फर्दर कंडेंस हो गया, और ये कंडेंसेशन कब होता है? जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। क्या मैंने बोला कि क्रोमेटिन कंडेंस्ड, तो ये कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोजोम। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रोफेज में जो होता है वो कंडेंसेशन होता है, मेटाफेज में भी थोड़ा मेटाफेज में भी कंडेंसेशन की प्रोसेस होता है। जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तो ये जो क्रोमोजोम रहेगा वो एक्सपेंडेड रहेगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में पूरा सेल में फैला हुआ रहेगा। ठीक है, और जब सेल डिवीजन जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर ये बाद में जाकर के डीकंडेंसेशन करेगा, तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा तो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोजोम है,
ये इस तरीके से क्रोमोजोम जो है वो कंडेंस फॉर्म में है। अब इस तरीके से इसमें डीएनए, इस तरीके से स्कैफोल्डिंग, इस तरीके से पूरा एक कंडेंस किया हुआ है। फिर बाद में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोजोम डबल कॉपी बना देगा, तो ये तो सिंगल स्ट्रक्चर है, फिर इसका इस तरीके से डबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। फिर जब ये अलग अलग हो जाएगा, दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, तो सेल डिवीजन में क्रोमोजोम का डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो फिर से ये जितने भी होंगे वो सब खुल करके इस तरीके से कंडेंस डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमेटिन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो बस सिर्फ इतनी बात समझनी है कि क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंसेशन को कब दिखाता है, जब वो सेल को सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो ये क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर के बना हुआ है। अब इसमें सवाल ये है कि क्रोमेटिन से जो हमारे नीट में क्वेश्चन आता है वो दो चीज आता है, एक हमको याद रखना होता है कि यू क्रोमेटिन क्या होता है, यू क्रोमेटिन, और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रो, ये दो चीज क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यू क्रोमेटिन के बारे में क्या हम बोलेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो यू क्रोमेटिन होता है ना, यू क्रोमेटिन जो होता है, यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली जो होता है वो मोर एक्टिव होता है। ये क्या होता है, लाइट स्टेन देता है, लाइट स्टेन बनाएगा, ठीक है। जो लाइट स्टेन बनाएगा वो ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या हो गया, हेट्रो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन देगा, डार्क स्टेन, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्शनली क्या हो जाएगा, लेस एक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, लेस एक्टिव हो गया। तो लेस एक्टिव डार्क स्टेन, मोर एक्टिव लाइट स्टेन, क्या मतलब हुआ इसका। अगर देखो, जब ये जो क्रोमेटिन है वो टाइटली जब पैक हो जाएगा तो हिस्टोन पूरी तरीके से उसको रैप कर देता है। अब हिस्टोन जब पूरी तरीके से रैप कर देगा तो जीन एक्सप्रेशन तो होगा नहीं, ठीक है। जैसे जीन एक्सप्रेशन करने के लिए धागा आपका है तो ये डीएनए जो है वो धागे की तरह होता है, उसको खोलना पड़ता है तभी। जैसे मान लो कि इस हिस्से में ये वाला जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, यहां पर कोई जीन है जो अपना एक्सप्रेस करना चाहता है, तो रैप किया हुआ है यानी डार्कली पैक है, तो इस रीजन को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हेट्रोक्रोमेटिन, अभी जीन एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब ये एक्सप्रेस करना चाहेगा तो इसको हमको खोलना पड़ेगा यानी इसको लूज करना पड़ेगा, तो यहां पर क्रोमेटिन का लूज पैकिंग होती है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से कुछ एक्सपैंड हो जाएगा इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहां पर जीन है, यहां पर जीन है, मैं इसको खोलता हूं, यहां से हिस्टोन को हम अलग निकाल देंगे, अब ये जो है वो कुछ इस तरीके से ऐसे फैल जाएगा। अब ये ओपन हो गया, अब यहां पे जो जीन है आपका, ये जीन आपका सेंट्रल डोगमा करेगा, ये अपना एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, समझ में आया। तो जब हिस्टोन उसको रैप किया हुआ रहता है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, उसका जीन एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन है, इनएक्टिव कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिव होगा वो हेट्रोक्रोमेटिन है, ठीक है ना। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, एक्टिव होता है, और यूक्रोमेटिन क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शनली हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो लेस एक्टिव होता है, और यू कैन से नो एक्टिव, मतलब वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है कि हेट्रोक्रोमेटिन, देखो यहां पर क्या लिखा है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन देगा और ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव बोलो, या फिर इनएक्टिव भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होगा, क्योंकि जब डीएनए इसको रैप किए हुए रहेगा, जब हिस्टोन इसको जब रैप किए हुए रहेगा, तो जब हिस्टोन रैप किए हुए तो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा, ये अपना सेंट्रल डोगमा नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे अगर आप किसी भी इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन है और इसमें बांध दिए हैं कोई भी चीज को, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक अपना सेंट्रल डोगमा नहीं कर पाएगा, तब तक अपना ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा।
तो बंधा हुआ पार्ट जो है कंडेस्ड पार्ट है उसी उसी क्रोमेटिन के हिस्सा को हम लोग बोलते हैं हेटरोक्रोमेटिन, और जब खुल गया तो उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं। तो खुल गया तो यानी इसका मतलब ये लूज हो गया है ना, तो लूजली पैक्ड हो जाएगा, ये लाइट स्टेन देगा यार, ठीक है, यहां पर डार्क स्टेन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्रोमेटिन समझ में आ गया। क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है जो बेसिक नेचर का प्रोटीन होता है, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो जीन एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस होकर के क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस सेल डिवीजन के समय में होती है। क्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन देता है, ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होता है, हेटरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन देगा और ये इनएक्टिव होता है या लेस एक्टिव होता है। तो इतनी छोटी सी बात है, इतना बात आप जरूर याद रखेंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रोमोजोम में परसेंटेज पूछा जाता है, तो तीन चीज आप याद रखेंगे, एक डीएनए कितना परसेंट होता है, आरएनए कितना परसेंट होता है और प्रोटीन कितना परसेंट होता है। कौन सा प्रोटीन, यही प्रोटीन हिस्टोन, ठीक है। आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी यूकैरियोटिक, क्योंकि हिस्टोन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में तो रहेगा ही नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन इज एब्सेंट, तो ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोजोम होता है ना, क्रोमोजोम होता है, उसका आप केमिकल कंपोजिशन में तीन चीजों का जरूर याद रखेंगे वैल्यू, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है। डीएनए जो होता है ये 40% के आसपास में होता है, डीएनए इज अबाउट 14%, आरएनए इज 1.2%, ठीक है, एंड हिस्टोन प्रोटीन इज अबाउट 50%, ठीक है। इस डेटा को आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा और भी जो होता है, कुछ एसिडिक प्रोटीन होते हैं, पर एसिडिक प्रोटीन से नहीं होता है क्वेश्चन, कुछ आयंस होते हैं। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, डीएनए कितना परसेंट होता है क्रोमोसोम में, आरएनए कितना परसेंट होता है और हिस्टोन कितना परसेंट। डीएनए इज 40%, आरएनए इज 1.2% और हिस्टोन इज 50%। सो दिस वैल्यू यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, आप इसको दिमाग में हमेशा रखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्रोमेटिन के बारे में बेसिक आइडिया। हम क्रोमोजोम में अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सेल चैप्टर में क्रोमोजोम पढ़ते हैं। सेल का प्रीवियस वीडियो आप देखिए, बहुत पहले वीडियो बना हुआ है सेल पे, वहां पे आपको मिलेगा, और नहीं तो फिर हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे के क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, किस सेंस में, आरएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल किस सेंस में माना जाता है। तो डीएनए और आरएनए का जो सर्च हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए को ही हम मतलब न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए या आरएनए, इसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन को क्यों नहीं कहते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं कहते, कोई और मॉलिक्यूल जो होता है वो लिपिड क्यों नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, है ना। तो लोगों ने जो डिबेट किया है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लेकर के डिबेट किया है, है ना। जो हमारे साइंटिस्ट के बीच में जो वैज्ञानिकों ने, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, वो डीएनए और प्रोटीन पे ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों को कि डीएनए है या प्रोटीन है, और कोई नहीं है, उसका क्या कारण है, क्यों नहीं किसी को लिया। तो इसके बारे में सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। वीडियो देखते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। थैंक यू।